हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नदी के बहते हुए जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियां। इस टॉपिक से संबंधित चार वीडियो बनाए गए हैं। आप टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके चारों वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप चारों वीडियो नहीं देखेंगे तो टॉपिक सही से आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इससे पहले भी एक वीडियो डाला गया है और इसके बाद भी दो वीडियो और डाले जाएंगे, उनको आप पूरा अवश्य देखें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम देखते हैं नदी के अपर धनात्मक स्थल रूपों के बारे में कि किस प्रकार से नदी जो है वो अपर्दन के कारण से कौन कौन से स्थल रूपों का निर्माण होता है। सबसे पहले देखेंगे वी आकार की घाटी जिसमें गॉर्ज तथा कैनियन मुख्य हैं। दूसरा है जल प्रपात तथा चित्रिका जिसे वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स के नाम से जानते हैं। तीसरा है जल गति का वॉटरफॉल्स। चौथा है संरचनात्मक सोपान स्ट्रक्चरल बेंच। नेक्स्ट है नदी वेदिका रिवर ट्रेस और नेक्स्ट है नदी विसर्प या नियंडर। नेक्स्ट है संप्राय मैदान और पेनी प्लेन। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी जो है पहाड़ी भागों से निकल के आती है मैदानी भाग में और उसके बाद में वो कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हुए अंत में किसी बड़ी नदी में या सागर में वो समा जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं वी आकार की घाटी के बारे में। इसे इंग्लिश में वी शेप्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम नदी तली को काटकर उसे गहरा करती है, यानी कि नदी है अपना जो बॉटम है पैंदा है उसको काट के एकदम से वो गहरा करती है, जिस कारण नदी घाटी की जो गहराई है वो हमेशा बढ़ती जाती है तथा घाटी का जो आकार है उसकी जो शेप है अंग्रेजी भाषा का जो वी अक्षर है उसके समान हो जाता है। इसी कारण से इसको वी आकार के घाटी के नाम से जाना जाता है और उसमें दीवारें जो है उनका ढाल जो एकदम से तेज होता है तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग एवं संकरी होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में जो है वो वृद्धि होती जाती है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, गॉर्ज तथा कैनियन। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से वी आकार की जो घाटी है उसका शेप है वो दोनों इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं किस प्रकार से देखने को मिलता है और एकदम से अंग्रेजी का जो वी अक्षर है उसी के समान इसकी जो शेप है आकार देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको वी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसी में था गॉर्ज तथा कैनियन। गॉर्ज तथा कैनियन दोनों ही वी आकार की घाटियों के रूप, यानी कि ये वी आकार की घाटियों के ही रूप है जिनमें किनारे की दीवार अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई जो है वो बहुत अधिक होती है। सामान्य रूप में बहुत गहरी तथा संकरी घाटी को गॉर्ज या तंद्रा कहते हैं। गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है, यानी कि ऐसी घाटी बहुत ही गहरी और बहुत संकरी हो, चौड़ाई उसकी ज्यादा नहीं हो तो उसको जो है गॉर्ज के नाम से जानते हैं, और इसी का आकार बड़ा हो जाए विस्तृत हो जाए तो उसे कैनियन के नाम से जानते हैं। कि गॉर्ज विस्तृत रूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा इसे कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक संकरा होता है। हिमालय पर्वत में सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गॉर्ज महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी का ग्रांड कैनियन संसार का जो है प्रसिद्ध कैनियन का उदाहरण है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से गॉर्ज का जो निर्माण है वो होता है। यहाँ इसमें हम देख सकते हैं कि जो कैनियन है उसकी शेप किस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पर ये जो यूएसए की ग्रांड कैनियन है उसका पिक्चर दिखलाया गया है और इसी में इंडिया का जो आंध्र प्रदेश है वहां पर ये कोंडीकोटा का जो कैनियन है उसका व्यू है वो इस स्लाइड में दिखलाया गया है। नेक्स्ट है जल प्रपात तथा छिपरी का वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स। जब किसी
स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात या वाटरफॉल के नाम से जानते हैं कि जब नदियां ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है तो बीच में कोई ऐसा पहाड़ी भाग जो क्लिफ के रूप में आ जाता है और फिर पानी ऊपर से नीचे की ओर बहुत वेग से गति से गिरता है उसी को वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। प्रपात तथा छिपरी का अंतर सामान्य होता है यानी कि इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। वास्तव में नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवाह साधारण वेग से होता है अर्थात जब जल ऊंचे ढाल से गिरता है तो उसे प्रपाती या छिपरी का जो है वो कहते हैं कि प्रपाती या छिपरिका में जल जो है वो साधारण गति से आगे की ओर बढ़ेगा और ज्यादा ऊंचाई से जो है वो नहीं गिरेगा उसको प्रपाती या छिपरिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जल प्रपात का जो एक व्यू है वो हम इस स्लाइड में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ये छिपरिका का व्यू देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो रैपिड्स है इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं होती है जबकि जल प्रपात की जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट है जल गर्तिका या अवनमन पुल पोर्ट होल्स एंड प्लंज पुल। नदी की तली के जल भंवर या एडीज के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों यानी खड्डों का निर्माण करते हैं। इस तरह के टुकड़ों को छेदक या घर्षक यंत्र कहते हैं। धीरे धीरे इनका आकार जो है वो बढ़ता जाता है तथा उत्पन्न स्थल रूप को जल गर्तिका के नाम से जो है वो जानते हैं कि नदी के तली में बहुत सारे जो जल भंवर है एडीज जो है उसके साथ में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और वो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो एक यंत्र का छेदक यंत्र का काम करते हैं और धीरे धीरे वहां पर एक जो सुराख है वो अपना रूप जो धारण जो है वो कर लेता है उसी को जल गर्तिका के नाम से जानते हैं। जब जल गर्तिका की गहराई तथा व्यास अधिक हो जाता है तो उसे अवनमन पुल या प्लंज पुल कहते हैं कि यही जल गर्तिका धीरे धीरे समय के अनुसार उसका जो आकार है साइज है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको अवनमन पुल या प्लंज पुल के नाम से जाना जाता है। यहां हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जल भंवर है वो पानी में डेवलप होते हैं और फिर ये यहां पर भवन के डेवलप होने से यहां पर एक बड़ा सा खड्डा जो है आप इसमें स्लग में देख सकते हैं। यहां पर ये जल गर्तिका का व्यू दिखलाया गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे जो जल गर्तिका है शुरू में उनका निर्माण जो है वो पानी के अंदर होता है। यहां पर ये अवनमन कुंड जो है ये साइज में काफी बड़ा जब हो जाता है तो ये एक तरह का बड़ा कुंड जो है अवनमन कुंड बन जाता है ये इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेज। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों के परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती है यानी कि नदी जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती है वहां पर सॉफ्ट रॉक्स भी और हार्ड रॉक्स भी जो है वो रास्ते में उसके आती है। इस परिस्थिति में नदी द्वारा जो विशेषक अपरदन है जिसे डिफरेंशियल इरोजन के नाम से जानते हैं द्वारा कठोर तथा मुलायम चट्टानों का कटाव विभिन्न दरों से होते हैं। कठोर चट्टाने हैं वो धीमी गति से उनमें अपरदन का काम होगा या कटाव होगा जबकि जो सॉफ्ट या मुलायम चट्टाने उसमें तेज गति से अपरदन या कटाव होगा। कठोर चट्टानों के अपेक्षा कोमल चट्टाने शीघ्र कट जाती है तथा कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टाने निकल रहती है जो कठोर चट्टाने हैं वो तो निकली रहती हैं या उनमें कटाव भी पूरा नहीं हुआ है जबकि सॉफ्ट या कोमल चट्टाने उनमें कटाव जो है वो तेजी से हो जाता है। इस तरह विशेषक अपरदन द्वारा सोपानाकार सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण जो हो जाते हैं कि जो सोपान टाइप में सीढ़ियों टाइप में जो है घाटी के दोनों ओर उनका निर्माण हो जाता है प्राय इन्हें सोपान या बेंचेज कहा जाता है। परंतु इन सोपानों को नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए संरचनात्मक सोपान के जो है नाम से इनको जाना जाता है। यहां पर हम ये देख सकते हैं संरचनात्मक जो सोपान है उसका जो व्यू है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो ज्यादा भाग कट गया ये सॉफ्ट या कोमल लुक्स का है और ये जो कम कटा है जो दिख रहा है बार में ये हार्ड या कठोर चट्टानों का भाग है। इस तरह की जो आकृति है वो बाद में बन जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं नदी वेदिका या रिवर ट्रेस। नदी वेदिकाएं एक रूप में नदी के नवोन्मेष या पुनर्युवन की परिचायक होती है। नदी अपने क्रमबद्ध अवस्था के बाद बाढ़ का जो मैदान है वो बनाती है। सागर तल में परिवर्तन के कारण नदी में नवोन्मेष या पुनर्युवन या रेजुनवेशन आ जाता है, जिससे नदी के निम्न कटाव की जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है। यानी कि नदी में जैसे ही सागर तल में परिवर्तन होता है और रेजुनवेशन की स्थिति आ जाती है, उससे जो निम्न कटाव है उस नदी के अंदर उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और इसके कारण से क्या होगा, घाटी का जो गहरा होने का काम है वो तेजी से उन्हें प्रारंभ हो जाता है। अब नदी अपनी पुरानी चौड़ी घाटी के अंतर्गत नवीन एवं संकरी घाटी का निर्माण करती है। यानी कि जैसे ही वो उन्हें वापस आती है और निम्नवर्ती अपर्द अधिक होता है तो उन्हें वो संकरी एक घाटी का निर्माण करती है। कुछ समय बाद यह नवीन घाटी क्षैतिज अपर्द यानी कि लेटरल इरोजन द्वारा विस्तृत या चौड़ी हो जाती है, परंतु नदी अपनी पहले वाली घाटी के बराबर जो वो नहीं हो पाती। यानी पहले जो एक घाटी बड़ी बन गई थी लेकिन पानी वापस आने से उन्हें एक छोटी घाटी का जो निर्माण है वो हो गया, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो पाती है और परिणाम स्वरूप नदी एक दूसरे बाढ़ के मैदान का निर्माण जो वो करती है। यानी कि नदी जो एक दूसरे बाढ़ का निर्माण कर देती है। प्राचीन घाटी नवीन से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है, यानी कि उसमें देखने को से मिलता है सीढ़ी या सोपान से वो अलग प्रकार से दिखाई देती है। इसी सोपान को नदी वेदिका या रिवर ट्रेस के नाम से जो वो जाना जाता है। यहाँ पर ये इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि देखने में जो ट्रेस है उसकी आकृति किस प्रकार की जो है नदी वाले क्षेत्र में दिखलाई देती है। नेक्स्ट है नदी विसर्प या रिवर मीएंडर्स। प्रोड नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक जो है वो करती है। यानी कि इस समय जैसे ही नदी आगे की ओर बढ़ती हुई प्रौढ़ावस्था में आती है तो निम्नवर्ती कटाव कम होता है, जबकि जो क्षैतिज अपर्दन है किनारे वाले भागों में जो अपर्दन है वो अधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप नदी अपनी घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। यानी कि इस समय नदी की जो घाटी है वो गहराई की अपेक्षा चौड़ाई जो है उसकी बढ़ने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग न तो समतल होता है न एक समान जो चट्टानों का जो वो बना हुआ है, अतः नदियां सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर आगे की ओर बढ़ती है। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे बड़े जो मोड़ है वो बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प या रिवर मीएंडर के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम इस स्लाइड में आगे आएगी स्लाइड तो भी इसी प्रकार से एशिया माइनर की जो म्यांडर नदी है इस तरह के बड़े बड़े मोड़ों से प्रवाहित होकर होती है। इस नदी के नाम पर नदी के मोड़ों को म्यांड या विसर्प के नाम से जानते हैं। एक जो विसर्प है उसकी लंबाई नदी की चौड़ाई द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सामान्य रूप से एक विसर्प की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 15 से 18 गुना तक होती है। मियांडर अधिकांश रूप में निक्षेप तथा अधिकांश रूप में क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन का ही परिणाम जो है वो होता है। यहाँ हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो एशिया माइनर की जो मियांडर नदी है उसकी लोकेशन, और यहाँ पर इसमें इधर देख सकते हैं किस प्रकार से नदी जो है एकदम से मोड़ खाती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इन्हीं को मियांडर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी इसी स्लाइड में भी मियांडर का जो अलग अलग स्वरूप है उसको दिखलाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से नदी आगे की ओर बढ़ती है अपनी प्रौढ़ावस्था में और इस तरह के जो मोड़ है उनका निर्माण करती हुई बढ़ती है। विसर्प के प्रकार यानी कि जो विसर्प है मियांडर है ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। विसर्पों को नदी के अपर्दन के अनुसार दो रूपों में विभाजित जो है वो किया गया है। पहला है क्षैतिज अपर्दन द्वारा सामान्य विसर्प तथा दूसरा है लंबवत अपर्दन द्वारा निर्मित अध्यकृतिक विसर्प। एक तीसरे प्रकार का भी बताया जाता है जिसे बेमेल विसर्प के नाम से जाना जाता है। सामान्य विसर्प से हमारा तात्पर्य है जब नदी अपने प्रथम अपर्दन चक्र के समय विसर्प का निर्माण करती है तो उसे सामान्य विसर्प कहा जाता है। यानी कि
प्रथम अपर्दन चक्र के समय ही जो मोड़ है या विसर्प उनका निर्माण जब होता है तो उसे सामान्य विसर्प के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से नदी के क्षेत्रीय अपर्दन के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नदी अपनी प्रथम अवस्था में जो मोड़ का निर्माण करती है, जो विसर्प का निर्माण करती है, उनकी शेप किस प्रकार की होती है। इसी प्रकार दूसरा है अर्धकृतिक विसर्प। अर्धकृतिक विसर्प निश्चय ही नदी के नवन मेष के परिचायक हैं तथा इसका निर्माण नदी के कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में नदी के नवन मेष के कारण होते हैं। यानी कि जो नवन मेष यानी कि पानी जब वापस आ रहा है नवन मेष की स्थिति कारण से उस समय जो कटाव हो रहा है उसकी वजह से इसका जो निर्माण होता है। जब प्रथम चक्र के समय क्षेत्रीय अपर्दन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा संकरे विसर्प का निर्माण होता है तो उसे अर्धकृतिक या विसर्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसकी जो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनसाइड मेंडर्स है उनकी जो स्थिति है उनका जो शेप है वो दिखलाई देता है। तीसरा जो हमने देखा था बेमेल विसर्प। एक नदी अपनी विसर्प नदी प्रौढ़ावस्था में विसर्प बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है जिसमें अनेक विसर्प भी अत्यधिक विस्तृत होते हैं। किसी कारणवश जब नदी में जल का आयतन कम हो जाता है कि किसी कारण से आयतन कम हो गया तथा नदी संकरी हो जाती है उसके द्वारा निर्मित विसर्प पहले की अपेक्षा कम चौड़े होते हैं। इस तरह के नवीन विसर्प के वक्र की अर्धव्यास पहले विसर्प के वक्र की अर्धव्यास से छोटी होती है। ऐसे विसर्प को बेमेल विसर्प के नाम से जाना जाता है क्योंकि नवीन विसर्प प्रारंभिक विसर्प से पूर्णतः जो है वो मेल नहीं खाते हैं, इसी कारण से इनको बेमेल विसर्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बेमेल विसर्प है उनका जो धरातल पे जो व्यू है वो दिखलाई देता है। नेक्स्ट है संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। संप्राय मैदान या पेनी प्लेन का निर्माण उस समय होता है जबकि नदी की अंतिम अवस्था में क्षेत्रीय अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही नदी अपनी अंतिम अवस्था में मैदानी भाग में आ जाती है और लगभग जो धरातल पर जो उच्चावत थे ऊंचे नीचे भाग थे उनमें भी कटाव के कारण से अपर्दन के कारण से लगभग वो असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षेत्रीय अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का जो निर्माण है वो करते हैं। प्रतिरोधी सेलों के भाग अपर्दन अवशेष की इरोजन रेमिटेंस के रूप में सामान्य सतह से ऊपर की ओर दिखलाई देते हैं। इन्हें मोडार नाक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो संप्राय मैदान है नदी की अंतिम अवस्था में दिखलाई देता है और इसमें जो कठोर जो चट्टाने हैं हार्ड रॉक्स के जो कुछ अवशेष भाग जो रह जाते हैं जिन्हें मोनार नाक के नाम से जाना जाता है वो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। इसी के साथ में ये जो पार्ट टू है इस टॉपिक का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप इस टॉपिक संबंधित कुछ और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इनमें से किसी बुक की स्टडी आप कर सकते हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसकी जो दो और वीडियो है उनको भी आप अवश्य देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक से संबंधित आपको पीडीएफ में मेटा डाउनलोड करना है तो यहाँ नीचे एक ऐप का लिंक दिया हुआ है माई बुकलो ऐप, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।